स्वागत है हकीम साहब। धन्यवाद अगले कॉलर से जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जी। नमस्कार जी। हाँ जी, नाम आपका, कहाँ से बात कर रही हैं? हाँ जी, मैं चंडीगढ़ से कर रही हूँ। ठीक है, सवाल बोलिए। मेरे दो सवाल हैं। बेटी को ना पीसीओडी की समस्या है, ठीक है, तो उसको ना मतलब पहले डॉक्टर साहब से पूछा था तो उन्होंने ना जैतून नमक बोला था, जी और दूसरी बार मतलब कि ये पूछना था कि भाई ये कितनी देर खाए, तो डॉक्टर साहब ने मतलब कि ना कलौंजी नमक बोल दिया। तो हमने ये पूछना है कि भाई कौन सी चीज ले, मतलब कि दवाई ले, जिससे ये ना 2 महीने पहले ना मतलब कि वो दूसरी एलोपैथ खा चुकी है, अब नहीं खाना चाहती। ठीक। तो हम ये चाहते हैं कि भाई कोई ऐसी दवाई बता दे जो 1 ले और कितने महीने ले और कितनी बार ले। ठीक। देखिए, ये जो मैंने आपको बताया था, जैतून का नमक और कलौंजी का नमक, ये रसायन है कलौंजी के। कलौंजी से वो दवा निकाल लेते हैं जो असर करती है बहुत तेज, 50 गुना 100 गुना। तो इन दोनों के असरात एक से हैं, आप कोई भी ले सकते हैं, और आधा ग्राम से ज़्यादा ना लें एक टाइम में, और पानी में मिला के लें, और 5 बार 5 बार गर्म पानी पिएं, और एक खुराक से 2 खुराक तक ले सकते हैं बस एक दिन में। और ये 100-200 ग्राम लेने पर 5 महीना चलता है, आधा आधा ग्राम के हिसाब से। तो एक नुस्खा तो ज़रूर लें, और उसमें रिज़ल्ट आ जाता है। जितने परसेंट फ़ायदा होता है, फिर जैसे आपको 1 महीने में 10% फ़ायदा हो गया, तो 5 महीने में 50% फ़ायदा, तो 10 महीने लग सकते हैं। 20% हो गया तो ये एक ही मतलब 5 महीने में ही फ़ायदा हो जाएगा। जो रिज़ल्ट आता है उससे हम तय करते हैं कितने परसेंट फ़ायदा उनको मुमकिन है। जी, आपका दूसरा सवाल। दूसरा सवाल ये था कि ना बेटा है 14 साल का, तो उसे ना अस्थमा रहता है, तो उसके लिए भी बता दें ताकि मतलब कि भाई पूर्ण रूप से ठीक भी हो जाए और आगे से ऐसी समस्या हो भी ना। ठीक है, और समझदार लेडी हैं, एक एक करके सवाल और तफसील से बात कर रहे हैं। फ़ोन की आवाज़ क्लियर आ रही है और टीवी की आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही। मैं आपको सलाम करता हूँ। इस तरह से लोग अगर कॉल करने लगे तो किसी की कॉल डिस्टर्ब ना हो। देखिए, इस बच्चे का इलाज उनसे भी ज़रूरी है जिनका आपने पहले इलाज पूछा। इस वक्त ऐसे लोगों को जिनको नज़ला, खांसी, बलगम, छींकें रहती हैं, वो बहुत ख़तरे में है, और बल्कि हर आदमी ख़तरे में, लेकिन ये लोग टारगेट हैं उस बीमारी का जो इस वक्त चल रही है। तो कम से कम 5-6 महीने खिलाएं। देखिए, किसी किसी को जल्दी फ़ायदा हो जाता है, मैं मानता हूँ, और किसी को 2 ही महीने फ़ायदा होता है तो वो दवा छोड़ देता है, लेकिन इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए 5-6 महीने यूनानी को चाहिए। फिर हो जाएगा, फिर और साल 2 साल बाद फिर ना होने लगे। इसलिए अंदर से मजबूत करने के लिए, इम्यूनिटी के लिए, एक दवा मैं सबसे कहता हूँ कि आजकल सबको लेनी चाहिए, जिनकी जो रोगी हैं या जो रोगी नहीं हैं, और वो है माजून आर केयर। माजून आर केयर एक ऐसी औषधि है जो काम तो करती है धीरे धीरे, लेकिन हमारे अंदर की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को इतना बढ़ा देती है कि बीमारियां उस पर आए भी तो असर नहीं होती, और वो इम्यूनिटी एक फौज है, हमारे जिस्म की एक फौज है जो मजबूत होती है। जो जिस मुल्क की, जिस देश की फौज मजबूत होती है, उसकी तरफ कोई आंख उठा के भी नहीं देखता। यही बीमारियों का है, इनकी इम्यूनिटी यानी इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो जाएगी, फिर इनका कोई सर्दी जुकाम कुछ नहीं कर सकता। जी, नेक्स्ट कॉलर है मुजफ्फरनगर से मनोज हमारे साथ, स्वागत है मनोज जी। हेलो, हेलो। हाँ जी, तेज आवाज में बात कीजिए, हाँ जी, हाँ जी मैडम जी, बोलिए नमस्कार। जी, आदाब हेलो जी। मैडम जी जी नमस्कार। जी नमस्कार, मैं इनजी से बात कर सकती हूँ? जी, मैं तो सुन रहा हूँ, बताइए क्या सवाल है। हकीम जी, गले में मस्से हैं, गले पे, बैक साइड में, गले गले में? पे मस्से हैं गले में या गर्दन पे? जी हकीम जी, गले पे मस्से हैं,
बेटा गले पे या गर्दन पे? गर्दन पे, गले की बैक साइड में, गर्दन पे थोड़ा सा मक्खी है। दूसरा सवाल है, मसूड़े में खून आता है? ठीक है। एज, एक क्वेश्चन हो रहे हैं। जी जी, एज बता दीजिए। मसूड़े में खून आता है, बदबू रहती है। क्या रहती है? बदबू रहती है। ठीक है, गर्दन पे तो मक्खी है, गर्दन पे मक्खी। जी बेटा ठीक है। मनोज कुमार साहब, आप अपनी उम्र बता दीजिए। मेरी 48 उम्र है। ठीक है। और देखिए, एक तो मल्टी विटामिन्स ले, मल्टी विटामिन्स की गोलियां या कैप्सूल आते हैं जिसमें बहुत सारे विटामिन्स, और उसमें होता है जिंक होता है, तांबा होता है, चूना होता है, और बहुत सारे विटामिन्स होते हैं। जिनको भी मसूड़ों में पायरिया टाइप हो, खून आता हो, बदबू आती हो, उन्हें सबसे पहले वो लेना चाहिए, और रोज़ एक लें, फिर आगे जाके अगले महीने से हफ्ते में एक कर दें, तो इससे भी आप ठीक हो सकते हैं। एक और ये कि मस्से तकरीबन सभी के होते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन अगर कोई नुकसान दे रहा है, कोई ऐसी जगह पर है जहाँ बुरा लगता है या परेशान कर रहा है, तो उस पर ये जो चूना पनवाड़ी लगाता है पान पर, ये माचिस की तीली पर जो मसाला होता है ना, इतना चूना और इतना ही कपड़े धोने वाला सोडा, उस पर लगा दीजिए। आप 3-4 दिन लगाएंगे लगातार, और उसे थोड़ा लगा रहने दीजिए। थोड़ा सा आपको परेशानी भी होगी, मिर्ची सी लगेंगे, उसे बर्दाश्त कर लेना, तो वो अपना आप झड़ के गिर जाएंगे। ये इलाज है। और एक और नुस्खा बता देता हूँ, आप भी याद रखेंगे, कि एक चुटकी सोडा खाने का ऐसे हाथ पे रखें, और उस पर एक दो कतरे ये सरसों का तेल जिससे खाना बनता है उसमें मिला के रात को हल्के हल्के ऐसे आप दांतों पर रब करें, हल्के हल्के, और उस वक्त में करें जब आप सोने वाले हों। जो भी लुआब आए, गंदगी आए, उसे थूक दें, लेकिन कुल्ला ना करें। रात को ऐसे ही सो जाएं, सुबह को फिर कुल्ला करें। ऐसा भी 2-3 बार करेंगे तो इससे भी आपकी समस्या का समाधान मुमकिन है। जी आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। जी स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? डॉक्टर साहब नमस्कार, मेरा गांव टिपरा है जी, नाम सरजीत सिंह। जी बताइए। उम्र 75 साल। अरे वाह। सन 2010 में 5 जाड़े निकलवाई थी। जाड़े निकलवाने के बाद से अब तक राल बिल्कुल खत्म हो गई है। आज स्थिति है कि प्यास पानी की नहीं लगती, कितना ही पानी पी लूं मुंह सूखा रहता है। गालों में घाम जैसा हो रहा है, गाले मोटी हो रही है, मुंह सूखा रहता है, चिपकन होठों में रहती है। इन 10 सालों में करीब 23 डॉक्टरों को मैंने अपने को दिखा लिया, कोई आराम नहीं मिला। अब मैं क्या करूँ जो मुझे कोई सहूलियत मिल सके? बहुत अच्छे सवाल किया आपने, पूरी बात समझा दी। ऐसे लोग बहुत समझदार होते हैं, और फिर अगर 75 साल के हैं तो यानी हमारे सीनियर हैं, बहुत काबिल एहतराम हैं, बहुत सम्मानित हैं आप, और ऐसे ही अपना ख्याल रखेंगे तो खूब सेहत की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। देखिए, एक नारियल पानी रोज़ पीना है आपको, एक नारियल पानी रोज़ पीना है, और इसमें आधा ग्राम ये डालना है जैतून का नमक, आधा ग्राम जैतून का नमक मिलाकर। अच्छा, ये नमकीन नहीं होता, बहुत ऐसा स्वाद होता है कि एक गिलास पानी में या किसी चीज़ में मिला लो तो नमकीन नहीं लगता, बल्कि जैसे नलके का पानी होता है ना, ऐसा लगता है। ये रोज़ एक बार पिया करिए, और बहुत ज़रूरत पड़े तो 2 बार भी ले सकते हैं। नारियल पानी में मिलाकर आप इसे ले लिया करिए, और अगर आप गरीब आदमी हैं तो पानी में मिलाकर भी ले सकते हैं। और पान खाना शुरू कर दीजिए। आप सोचेंगे कि मैं पान खाने को आपसे कह रहा हूँ, ये जो पान है, चाहे आप पान खाते नहीं हो तो सादा पान, उस पर ना कत्था, ना चूना, ना तंबाकू, ना कुछ, एक पान, आधा पान सुबह आधा पान शाम चबा के खाया करिए। फिर जो आपको प्यास लगनी शुरू होगी तो फिर आप पानी ढूंढते फिरेंगे, इतनी प्यास लगेगी। 2.5 लीटर पानी पीना आपके लिए ज़रूरी है, आपको फ़ायदा होना मुमकिन। जी अगले कॉलर हैं हमारे साथ, प्रमानंद दास जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, बताइए सवाल करिए।
मैडम जी मेरा पेट में जो है ना वो पिंग में पथरी हो गई, तो इसका कुछ इलाज? गुर्दे में है या पित्ते में है? सर ये एक्चुअली किए थे अल्ट्रासाउंड किए, तो वो किडनी में है। पित्ते में है? हाँ, तो उन किडनी के नीचे में बोले कि डॉक्टर साहब बोले कि आपको जो थैली है, प्रेमानंद जी आपको जो पथरी है वो किडनी में है। हाँ किडनी में, और बोले पेशाब की जो थैली होती है उसमें है। ठीक है, ठीक है, समझ गया। एज और बता दें तो हमें आसानी हो जाएगी। जी एज कितनी है आपकी? मेरी एज सर अभी 45 है। ठीक है, आज इतने अच्छे लोग बात कर रहे हैं कि हमें कोई परेशानी नहीं हो रही उनकी बात समझने में, और ऐसे लोग बहुत ही सम्मानीय हैं जो अच्छी तरह बात समझाना चाहते हैं। तो कितनी भी बड़ी हो पथरी हमारी किडनी में, उसका निकलना मुमकिन है, बहुत आसान नुस्खा है। देखिए जैतून का नमक आता है, एस्टेक जैतून भी कहते हैं या रसायन जैतून कहते हैं, ये जायके में नमकीन नहीं होता लेकिन नमक कहलाता है, क्योंकि नमक जैसा होता है देखने में। और इसका आधा ग्राम एक गिलास या दो गिलास पानी में आप घोल दें, आराम से घुल भी जाता है। इसमें एक या दो नींबू निचोड़ कर इसे पी लें, और साथ में अगर और भी पानी पी सकते हैं तो पीजिए। ऐसा आप दिन में एक बार या दो बार करें, और ऐसे आदमी को पानी बहुत पीना चाहिए। ये जाके उस पथरी को तोड़ देता है, पाउडर बना देता है, और पेशाब जब हम ज़्यादा एक साथ पानी पीते हैं तो पेशाब भी एक साथ ज़्यादा आता है फोर्स से, तो जब वो टूटेगी पथरी तो ये पेशाब की धार में वो निकल जाएगी, और आप ये लगातार इस्तेमाल करें तो आपको फायदा मुमकिन है। जी नेक्स्ट कॉलर है बलिया से हमारे साथ यश सिंह, स्वागत है आपका। नमस्ते डॉक्टर साहब, हम हाँ जी बोलिए, हम डॉक्टर से बात करेंगे। जी जी आदाब, बलिया वालों आदाब। ठीक बताइए बताइए बताइए, मैं सुन रहा हूँ बलिया वालों। देखिए हम उनकी मम्मी बोल रहे हैं। नमस्ते जी, आदाब आदाब आदाब। कह रहे हैं ना कि मेरा थायराइड है, ठीक है, और पैर में सूजन है, ठीक है, और वजन 78-75 मतलब है। अच्छा उम्र बताएंगे आपकी? आयु हमारी 42 है। 42 है, 42 आयुष्मान भवो। देखिए थायराइड का ठीक होना मुमकिन है, ये खुशखबरी है आपके लिए। जो दवा खाते हैं वो खानी है आपको अभी लगातार, और जो नुस्खा मैं बता रहा हूँ वो आप शुरू कर दें। देखिए हमारे किचन में की चीज़ें हैं ज़्यादातर, ये आपके बिसात खाने पे मिल जाती है। आंवला 100 ग्राम, मेथी का दाना 100 ग्राम, ये सब सूखे मिलते हैं, और धनिया 300 ग्राम, और गौन मोरिंगा सफ़ेद, बच्ची भी बोल रही थी आवाज़ आ रही थी शायद लिख रही होगी, गौन मोरिंगा सफ़ेद वाला, लाल वाला नहीं, ये आप 100 ग्राम। अब इनको सबको पाउडर बनाकर एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम खाएं, वो दवा भी लें जो आपको डॉक्टर ने दी हुई है, और पुरानी रिपोर्ट अपने सामने रखें। अगले महीने की रिपोर्ट कराएंगे तो आपका डॉक्टर आपको बहुत खुशी होगी कि आपका थायराइड कंट्रोल में आने लगा, और 7-8 महीने तक अगर आप करेंगे तो आपका थायराइड कहाँ गया, आपका डॉक्टर कहेगा कि अब मैं दवा किस बात की दूँ, थायराइड तो चला गया, और फिर ये दवा भी छूट सकती है। ये इस्तेमाल करें और खुश रहें। जी